धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में 12 फरवरी को कक्षा 6वीं की छात्रा के साथ शिक्षिका द्वारा मारपीट कर बाहर निकाले जाने के बाद बच्ची का सुराग नहीं लगने पर परिजनों के सब्र का बांध टूट गया। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण महिला और पुरुषों ने गांधी पार्क में बैठक का आयोजन कर न्याय यात्रा निकाली। पुलिस अधीक्षक को परिवाद पेश किया, जिसके माध्यम से शिक्षिका के खिलाफ कानूनी कार्यवाही एवं बच्ची को बरामद करने की मांग की है, जबकि स्कूल की शिक्षिका ने लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। बच्ची के परिजनों द्वारा शिक्षिका को प्रताड़ित करने और परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है, उनको न्याय पर पूरा भरोसा है। एसपी को दिए गए परिवाद में आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बताया कि 12 जनवरी 2024 को कक्षा 6वीं की छात्रा अपने भाई के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में पढ़ने गई थी। क्लास के अंदर अध्यापिका प्रीति परमार द्वारा बच्चे के साथ मारपीट कर बाहर निकाल दिया था। बच्चे के साथ कक्षा 8वीं के छात्र उसके बड़े भाई ने भी घर जाने की इच्छा जताई, तो अध्यापिका ने उसे रोक दिया था। इसके बाद बच्ची घर नहीं पहुंच सकी। परिजनों ने महिला पुरुष थाने में तत्कालीन समय पर अध्यापिका प्रीति परमार के खिलाफ केस दर्ज कराया। लगभग एक महीने का समय गुजर जाने के बाद भी बच्ची का सुराग नहीं लग सका। परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। कुछ दिन पूर्व बच्ची का स्कूली बैग स्कूल के बाहर एक नाले के पास पड़ा हुआ मिला था, जिसे परिजनों में डर देखा जा रहा है। मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं होने की वजह से परिजनों में रोष देखा जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में परिजन और ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय स्थित गांधी पार्क में बैठक का आयोजन किया। इसके बाद शहर में न्याय यात्रा निकाली। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के परिजनों और ग्रामीणों ने एक परिवाद पेश किया, जिसके माध्यम से शिक्षिका प्रीति परमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और बच्ची को बरामद करने की मांग की है। पीड़ित परिवार पूरे मामले की जांच को भी किसी बड़े अधिकारी से कराने की मांग कर रहा है। मामले को लेकर शिक्षिका प्रीति परमार का कहना है कि लगाए गए आरोप बेबुनियाद है और 12 फरवरी को बच्ची की शिकायत अन्य बच्चों ने की थी, जिसके बाद बच्ची को समझा कर क्लास में भेज दिया था, लेकिन उसके भाई ने उसको डरा धमका दिया था। बच्ची स्कूल से घर चली गई थी और उसके बाद क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। वैसे मामले की जाँच पुलिस और शिक्षा विभाग कर रहा है। शिक्षिका ने बताया कि छात्रा इससे पूर्व भी लापता हो गई थी, जिसे पुलिस ने दस्तयाब किया था। शिक्षिका ने बताया कि वो निर्दोष हैं, उनको बच्ची के परिजनों द्वारा प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है और उनको न्याय पूरा भरोसा है। मामला है, एक बच्ची थी जो कि 11 वर्षीय बच्चा 6वां आदर्श नगर पचनाव में पढ़ती थी। टीचर के मारपीट के बाद वो स्कूल से बाहर निकाल दी गई, जिसके बावजूद उसका किसी नाले के पास सिर्फ बैग मिला है। घर वालों ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन नहीं मिली, जिसका मुकदमा महिला थाने में भी पीड़ित परिवार ने कराया है। आज एक महीना हो गया है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आपका नाम? ब्रजेश्वर कुशवाहा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। सरकारी स्कूल में पढ़ती है? प्राइवेट सरकारी स्कूल में। कि मेरे खिलाफ जो महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है वो बिल्कुल गलत है। उसमें लगाए गए सभी आरोप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मैं और दिन की तरह 12 तारीख को भी उस विद्यालय में, अपने जिस विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ, वहाँ पढ़ा रही थी। और कुछ 11 क्लास के कुछ बच्चे मेरे पास शिकायत लेके आए थे, जिसकी शिकायत एवज मैंने उस छात्रा को बुलाकर उसकी गलती के प्रति समझाया, क्योंकि उसमें वह पूरी तरह गलती में थी, और उसके भाई को बुलाकर भी उसको समझाया गया था और फिर उसको उसकी क्लास में भेज दिया। उसके बाद वह बच्ची अपनी कक्षा में बैठ गई थी, लेकिन उसके भाई ने उसको धमकाया कि मैं तुझे पिता से, मतलब पापा से पिटवाऊंगा, जिसके डर के कारण बच्ची बैग लेकर विद्यालय से निकल गई। और जब हमने उसको रोकने की कोशिश की तो वह नहीं रुकी, लेकिन उसके भाई ने आकर हमें आश्वस्त करा दिया। जब हमने भाई को पीछे भेजा तो भाई ने आकर हमें बताया कि वह मैंने घर तक छोड़ आया, लेकिन तो यह सुनकर हम आश्वस्त हो गए कि बच्ची चली गई है। और उसके बाद हमने मतलब हमें हम मेरे प्रति उन्होंने उसके पिता ने जो है मामला दर्ज कराया, और मामले में यह बताया कि हमने बच्ची को अगवा कराया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वह बच्ची पहले भी 2-3 बार घर से जा चुकी है, तो इस चीज़ की सैपू थाना में पूरी बात रिकॉर्ड है कि वहाँ से बच्ची को बरामद मतलब दिया गया था पिता को। और
इसकी जांच पुलिस विभाग और मेरा विभाग पूरी तरह कर रहा है और सत्य की विजय होगी। जांच सब चल रही है। धन्यवाद। लालपुर ग्राम पंचायत के अतरोली गांव में ग्रामवासियों के धरने के तीसरे दिन पवन तिवारी के नेतृत्व में बताया गया कि हमने विधानसभा चुनाव 2023 से पहले हमने जिला कलेक्टर एवं सांसद को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिया था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपका काम जल्दी कराया जाएगा। आज अतरोली वासियों ने बताया कि हमारे गाँव में पीने के पानी की समस्या है। हम ग्रामवासी जिला प्रशासन एवं सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत टंकी का निर्माण कराकर घर घर नल घर घर कनेक्शन योजना का लाभ दिलाया जाए, जिससे लोगों की समस्या दूर हो सके। ग्रामवासियों ने आज अर्ध नग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया एवं चेतावनी दी। अगर लोकसभा चुनाव से पहले उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा एवं चुनाव बहिष्कार किया जाएगा। इस मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों में पवन तिवारी, हरि सिंह, कोमल सिंह, रामकिशन, नानक चंद, शिवचरण, मोजीराम, राहुल, रामफूल, पान सिंह, धर्मेंद्र, रामबाबू, आदिराम, रुक सिंह, दिलीप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। अरे पानी की टंकी नहीं तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पानी नहीं, पानी नहीं, निःशुल्क मेनोपॉजल हेल्थ कैंप 15 को। धौलपुर शहर के डॉक्टर चित्रा वंसल नर्सिंग होम में 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मेनोपॉजल हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेनोपॉज अर्थात राजोनिवृत्ति से जुड़ी समस्याओं का निराकरण के साथ साथ VMD अर्थात हड्डियों के घनत्व की जांच, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की भी जांच की जाएगी। कैंप में यह सभी जांचें निशुल्क की जाएंगी। कैंप में आगरा से सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट भी अपनी सेवाएं देंगे। 40 वर्ष की उम्र के बाद होने वाले शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाएगी और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। अधिक से अधिक संख्या में पधारकर उपयुक्त कैंप का लाभ उठाएं। कैंप में आगरा से डॉक्टर आरती शर्मा, डॉक्टर संगीता चतुर्वेदी और डॉक्टर रुचिता गर्ग अपनी सेवाएँ देंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर चित्रा बंसल, डॉक्टर चित्रा बंसल नर्सिंग होम वाटरवर्क्स चौराहा धौलपुर से आप सभी को आमंत्रित करती हूँ 15 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित मेनोपॉजल हेल्थ कैंप में। रजोनिवृत्ति की ओर अग्रसर महिलाओं की शारीरिक और मानसिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस कैंप में BMD अर्थात हड्डियों का घनत्व, ब्लड शुगर और BP जैसी कुछ जाँचें निःशुल्क की जाएंगी और आगरा से पधारी कुछ वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञों की सलाह मशवरा भी किया जा सकेगा। इस अवसर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। हृदयांश की मदद के लिए आगे आए निजी शिक्षण संस्थान। असहनीय बीमारी से जूझ रहे हृदयांश के लिए चल रही मुहिम में अब धौलपुर की निजी शिक्षण संस्थान भी आगे आने लगी है। इस मुहिम में हर कोई अपनी भागीदारी निभाते हुए पुण्य का भागीदार बनने में लगा हुआ है। जिला मुख्यालय स्थित निजी शिक्षण संस्था वनस्थली विद्यापीठ धौलपुर ने विद्यालय परिवार द्वारा बेटे हृदयांश की मदद के लिए पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को 1,00,000 राशि का चेक सौंपा है। विद्यालय के प्रबंधक हरिओम तोमर ने कहा कि हृदयांश पूरे धौलपुर का बेटा है और हम सब धौलपुरवासी एकजुट होकर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम धौलपुरवासी हृदयांश की मां के साथ हैं और उन्हें हर संभव सहायता करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने अन्य शिक्षण संस्थानों से भी आग्रह किया है कि वह भी इस मुहिम का हिस्सा बने। इस अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से राजकुमार तोमर, ब्रजेश मुखरिया, हेम सिंह दुबे, विनोद शर्मा, मुवीन अहमद फारूकी, PS महावर मुख्य रूप से मौजूद थे। धौलपुर में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ फोटो डालकर धौंस दिखा रहे एक युवक को मनिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध हथियार बरामद कर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक युवक ने अवैध हथियार के साथ फोटो डाली थी। लोगों द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद पुलिस ने युवक की पहचान राधेश्याम पुत्र विद्याराम निवासी सुहा कबाक के रूप में की। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की पहचान होने के बाद उसके पास अवैध हथियार होने की पुष्टि की गई। उन्होंने बताया कि सोमवार को थाने के SI अजय सिंह को मुखबिर की सूचना मिली थी कि आरोपी युवक अवैध हथियार के साथ विरोंधा रेलवे फाटक के पास खड़ा है। जिस सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 315 बुरका जैसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी युवक से अवैध हथियार बरामद करने के बाद आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है, जिसे पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा।
धौलपुर की नादनपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार को लेकर कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से पुलिस ने 315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोहकापुरा मोड़ पर एक युवक अवैध हथियार के साथ खड़ा हुआ है। जिस सूचना पर थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र को मौके पर भेजा गया, जहां पुलिस को देखकर आरोपी युवक भागने लगा। थाने की टीम ने घेराबंदी कर युवक को पकड़कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिल गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी युवक राधेश्याम पुत्र अजब सिंह गुर्जर निवासी खोकापुरा के पास से अवैध हथियार मिलने पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। हथियार के साथ पकड़े गए युवक से पुलिस हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसे पूछताछ के बाद कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा बसेड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो प्रचार रथ विकसित भारत संकल्प पत्रिका पेची में आमजन की समस्या, विधानसभा की समस्या, बिजली पानी सड़क से लेकर जन समस्याएं संकल्प पत्र में भरकर प्रचार रथ के सुझाव पेचिका में डाली गई। इस ओर प्रचार रथ को बयान मोड़, जगनेर बाईपास मोड़, हरजुपुरा बनोरा बरई तुलसीपुरा रामपुर और अन्य गांव में मोदी जी की योजनाओं को वीडियो के माध्यम से दिखाया गया। इस मौके पर बसेड़ी मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, मंडल महामंत्री महेंद्र कोहली, धीरेंद्र परमार, बबलू कोहली, राजकुमार कोहली, चक्कर परमार, अब्दुल खान बाबा, श्यामदास आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनित परमार की रिपोर्ट। हृदयांश की सेव लाइफ के लिए सर्व समाज आया आगे। सर्व समाज द्वारा एकत्रित कर SDM को 1,41,000 रुपये की राशि सौंपी। जिले के थाना मनिया में पदस्थापित उप निरीक्षक नरेश शर्मा का 22 माह का पुत्र हृदयांश अति दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, जिससे बच्चे के जीवन को खतरा बना हुआ है। बच्चे के जीवन को बचाने की मुहिम में बसेड़ी का सर्व समाज आगे आया। ऐसे में बच्चे के जीवन को बचाने को लेकर बसेड़ी में सर्व समाज के गणमान्य नागरिकों द्वारा हनुमान मंदिर पर बैठक का आयोजन कर सभी के सहयोग से राशि एकत्रित की गई, जिसके बाद सर्व समाज के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में युवाओं द्वारा सेव हृदयांश कैंपेन चलाया गया, जिसके तहत रविवार को बसेड़ी कस्बे में युवाओं द्वारा बाजार में दुकान दुकान और आमजन से हृदयांश के जीवन को बचाने के लिए आर्थिक सहयोग की मांग की। एक दिन में ही सर्व समाज के द्वारा सभी के सहयोग से 1,41,000 रुपए की राशि एकत्रित कर सोमवार को उपखंड कार्यालय पहुंचकर SDM दिनेश शर्मा के सहयोग राशि प्रदान की गई। SDM दिनेश शर्मा ने कहा कि सर्व समाज के सहयोग से एक दिन में इतनी बड़ी राशि दी गई है, उसके लिए मैं सर्व समाज का आभार व्यक्त करता हूं। इस मौके पर मायाराम शर्मा, रविंद्र सिंह परमार, महेश सिंह परमार, सेवानिवृत्त तहसीलदार हरिओम गर्ग, रमेश गर्ग, सूरत वाले कैलाश चंद्र गोयल, अशोक गर्ग, दिनकटा वाले सुरेश कौशिक, देवेश शर्मा, BK गर्ग, कैलाश चंद्र अग्रवाल, योगेश पचौरी, सुरेश मुदगल, रवि गोयल दोपुरा वाले, महेश पचौरी, अरविंद सिंह, श्री गोपाल शर्मा, कामराज शर्मा, मुकेश कौशिक, ब्रजमोहन पारासर, कृष्ण मुरारी मंगल, निशांत पारासर, जयप्रकाश यदुवंशी, बालेश्वर प्रसाद शर्मा, राजेंद्र पारासर, प्रीतम जादौन, विजय गोयल, शशांक कौशिक, शिव कुमार शर्मा, फेरन सिंह परमार सहित सर्व समाज के युवा मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनित परमार की रिपोर्ट। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में झोर वाली माता के पास चोरों ने दोपहर एक सूने मकान को निशाना बनाया। घर के लोग वारदात के समय एक तेरवी में शामिल होने के लिए तांतपुर गांव गए हुए थे। देर शाम घर लौटने पर उन्हें चोरी का पता लगा। पीड़ित केशव देव शर्मा ने देर रात को कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रविवार सुबह 11 बजे वह अपनी पत्नी ममता शर्मा के साथ रिश्तेदार की तेरवी में शामिल होने के लिए तांतपुर गांव गया था, जहां से लौटने के बाद उसे घर के ताले टूटे हुए मिले। चोरों ने ताला तोड़कर घर में रखी 20,000 रुपए की नकदी के साथ करीब 2,50,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषण पार कर ले गए। दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर जेल में रेप और पॉक्सो एक्ट में बंद दो कैदी हंसी मजाक के दौरान आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच हुई मारपीट के बाद एक बंदी को घायल हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद जेल में शिफ्ट कर दिया गया। दूसरी बंदी का उपचार जेल के वार्ड में ही किया गया। घटना को लेकर जेल के मुख्य प्रहरी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। थाने में दर्ज कराए गए मामले में जेल प्रहरी श्याम सुंदर ने बताया कि रविवार को जेल की बैरक नंबर 9 में मौजूद पॉक्सो एक्ट के बंदी सोनू उर्फ पुष्पेंद्र और दीपू पुत्र शिवराम निवासी कंचनपुर और रेप के मामले के बंदी राजकुमार उर्फ हल्लू पुत्र रामबीर निवासी गोलीपुरा के बीच
कहासुनी हो गई। जिस कहासुनी के बाद दोनों के बीच मारपीट भी हुई, जिस मारपीट में दोनों बंदी घायल हो गए, जिनमें से एक बंदी को जेल में ही उपचार दे दिया गया तो वहीं दूसरे बंदी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर जेल प्रहरी द्वारा कोतवाली थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया गया है। धौलपुर जेलर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों बंदियों के बीच उनके केस को लेकर हंसी मजाक चल रहा था, जिस हंसी मजाक के बाद उनकी आपस में मारपीट हो गई। मारपीट में घायल हुए एक बंदी को अस्पताल में उपचार दिलाने के बाद जेल में ही शिफ्ट कर दिया गया। घटना को लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। धौलपुर में दारा सिंह नगर सेक्टर बी सेपो रोड के समस्त कॉलोनी वासी आयुक्त नगर परिषद धौलपुर कार्यालय पर उपस्थित होकर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें कॉलोनी स्थित पार्क एवं सरकारी जमीन पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध नाला खोदा गया, जिसमें पशुओं को एवं आमजन काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन उक्त गड्ढे में पशु गिर रहे हैं। इस संबंध में आयुक्त नगर परिषद धौलपुर किस सक्षम ज्ञापन प्रस्तुत करने का निवेदन किया है कि उक्त पार्क और सरकारी जमीन का डिमोक्रेशन कर पार्क की चार दीवारी कराई जाकर पार्क का निर्माण किया जावे एवं कॉलोनी की मूलभूत सुविधाएं सड़क 100 फुट रोड पर सीवरेज को उपलब्ध कराए जाए। इस संबंध में प्रबोध शर्मा की सानिध्य में मनोज शर्मा, बंटू शर्मा, अमित शर्मा, प्रिंस शर्मा, चंद्रकांत शर्मा, प्रशांत शर्मा, वनवारी लाल शर्मा, रोहित शर्मा, हरिओम शर्मा, देवेंद्र सिंह, रामविलास, चंद्रकांत, रामभजन सिंह, रामकुमार बघेल, अनिल मित्तल, संजय कुमार, रविंद्र लवानिया, हेमेंद्र सिंह, प्रदीप बघेल, माता प्रसाद बबलू, लवली चौधरी, सुखवीर सिंह, हरिओम शर्मा, उमेश शर्मा, राजेश चौधरी, प्रशांत शर्मा, वीरेंद्र फौजी, तेजवीर सिंह फौजी, रामभजन सिंह सहित काफी लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कंकुलिया की रिपोर्ट। बाड़ी शहर के ऐतिहासिक 164 वर्ष पुराने वाराभाई मेले का आयोजन को लेकर रविवार की रात शहर के पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में मेला कमेटी के पदाधिकारी और शहर वासियों ने शिरकत की, जिन्होंने सर्वसम्मति से पूर्वाध्यक्ष विष्णु मासलपुरिया की अध्यक्षता में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें निर्विरोध रूप से मेला कमेटी के महामंत्री और उपाध्यक्ष रहे वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर सतीश प्रजापति को मेला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ में अन्य कार्यकारी का भी गठन किया गया। 7 दिवसीय मेला आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू। मेला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी पवन चंद सूर्या ने बताया कि हर वर्ष होली की दूध से यह मेला शुरू होता है, जो 7 दिवसीय होता है, जिसमें प्रथम दिन मेला की ध्वजा पताका मेला कार्यालय पर लहराई जाती है। इसके बाद छठवीं को मेले की बैठक होती है और सप्तमी को शहर में दिव्य भव्य शोभा यात्रा के साथ मेला निकाला जाता है। इसके बाद अष्टमी को गांधी पार्क पर राज गद्दी के साथ मेले का समापन होता है। संस्कृत शिक्षा विभाग में सभी लंबित संवर्गों की पदोन्नति और रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करवाने की मांग। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ द्वारा 2023-24 तक की लंबित सभी संवर्गों की पदोन्नतियां करवाने और रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति करवाने हेतु प्रदेश में ज्ञापन दिए गए। इसी सिलसिले में उपखंड मुख्यालय बसेड़ी में प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज रजावत के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। रजावत ने बताया कि राज्य सरकार स्तर से एवं सक्षम स्तर पर समय समय पर जारी आदेशों, निर्देशों और RPSC द्वारा बार बार DPC पदोन्नति हेतु तिथि निर्धारण के बाद भी संस्कृत शिक्षा विभाग में विभिन्न संवर्गों की पदोन्नतियां लंबे समय से लंबे चल रही हैं। वहीं सामान्य शिक्षा से अनवरत पदोन्नतियां हो रही हैं, जिसके चलते संस्कृत शिक्षा विभाग के शिक्षकों में भारी असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। सभी विभागों में पदोन्नति के स्वीकृत पदों पर संबंधित सेवा नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष रिक्तियों के आधार पर DPC की बैठक कर पदोन्नति देने का प्रावधान है। कार्मिक विभाग की ओर से समय समय पर इसके निर्देशन भी जारी किए जाते हैं। इसके बावजूद भी संस्कृत शिक्षा विभाग में विभिन्न संवर्गों की वर्ष 2023-24 और उससे पूर्व के सालों की पदोन्नतियां लंबित हैं। संगठन आपसे मांग करता हुआ विनम्र आग्रह करता है कि राज्य सरकार की पदोन्नति के प्रति सकारात्मक मानसिकता, समय समय पर कार्मिक विभाग सक्षम स्तर से जारी आदेश निर्देश के विपरीत और RPSC से कई बार पदोन्नतियों हेतु तिथि निर्धारित होने के बाद भी संस्कृत शिक्षा विभाग में लंबे समय से विभिन्न संवर्गों की पदोन्नतियां लंबित होने से पीछे के कारणों की जांच करवाकर समुचित कार्यवाही करें और तत्काल प्रभाव से सभी संवर्गों की लंबित पदोन्नतियां 2023-24 तक करवाने के साथ ही सीधी भर्ती के माध्यम से समस्त रिक्त पदों की पूर्ति करवाने की कृपा करें, ताकि रिक्त पदों के चलते लगातार घट रहे नामांकन पर अंकुश लग सके व प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में आशानुकूल नामांकन वृद्धि हो सके। आज पूरे प्रदेश भर में राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग शिक्षक संघ के द्वारा सभी संवर्गों की पदोन्नतियाँ जो नहीं निकाली जा रही हैं काफ़ी लंबे समय से, उनके लिए सारे राजस्थान में ज्ञापन दिया गया है।
हम राज्य सरकार से विनम्र आग्रह करते हैं कि इस पदोन्नतियों के संबंधी जो लंबित मांगे हैं उनकी जांच करवाकर समुचित कार्यवाही आगे की जाए। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।